सुक्कू प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को डरा धमका करके धमकियां दे रहे हैं कि अगर सरकार के खिलाफ बोला तो तबादले कर दिए जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, इस प्रकार की धमकियां मिल रही है। तो आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अपनी मांग के लिए कर्मचारियों ने जो है धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए और मुख्यमंत्री की अर्थियां भी फूकी, परंतु आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मतलब मुख्यमंत्री डराने पे तुल गए हैं। आप अभी हाल ही में आप देखिए कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि जो 65,000 विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हैं हम सरकार में आते इनको भरेंगे, और आप देखिए अभी 4 दिन पहले वो सारे पद समाप्त कर दिए। यानी आज 1.5 लाख ऐसी पोस्टें हैं विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारी का सारी खत्म कर दी गई है। अरे क्या कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्कू, आप ये कर क्या रहे हैं, आपको हो क्या गया है? जहां 65,000 खाली पद भरने थे और आपने जो है 1.5 लाख जो पोस्टें विभिन्न विभागों में खाली पड़ी है वो खत्म कर दिए। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों से आपने बड़ा भारी विश्वासघात किया है, और आपने तो चुनाव से पहले ये कहा था भी 5 साल में 5 लाख पोस्टें देंगे और 1 साल में 1 लाख देंगे। वो 1 लाख तो दूर, आप तो 20,000 से ऊपर नहीं पहुंचे, 22,000 ठीक है, 22,000 पोस्टें आपने भरी है इन 2 वर्षों में, होने को जा रहे 2 वर्षों में। और आप कह रहे हैं कि हमने तो ये 29,000 पोस्टें भर दी है। मैंने विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि हमने तो 30,000 पोस्टें भर दी है। आपको कोई तालमेल ही नहीं है आपके, आपके मंत्रियों का आपके साथ कोई तालमेल, झूठ। मतलब पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोल रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, हैं? तो इसलिए ऐसा है, मैं तो आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं आज कि झूठ बोलना छोड़ दो। सब कुछ यहां सारी है, सारी आपकी नोटिफिकेशनें बाहर आ रही है, हैं? कभी आप कहते हैं कुछ है, कभी नोटिफिकेशन आज निकालेंगे कल विड्रा करेंगे, तो ये क्या है, ये सरकार में क्या हो रहा है आप बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और आप ये ना सोचो कि सचिवालय के कर्मचारी जो है ठंडे पड़ गए हैं, प्रीवियस मोशन से डर गए हैं, वो डरे नहीं है प्रीवियस मोशन से, वो फिर दिवाली के बाद आके मैदान में आएंगे, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी मैदान में आज आ गए हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट के आने वाले हैं। मतलब हालात बिगड़ेगी दिवाली, आफ्टर दिवाली हालात बहुत बिगड़ेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरी प्रदेश के कर्मचारी नेताओं से हर रोज बात होती है, हर रोज मैं बात करता हूं, और सभी लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद जो है हम तहस नहस कर देंगे सरकार को, और ये होगी तहस नहस, इसमें दो राय कोई नहीं है। आप बताइए कि 4% डीए दिया, अरे मुख्यमंत्री महोदय क्या है 4%, ऊंट के मुंह में आप जीरा डालने के समान आप ये काम कर रहे हैं। और जुलाई 2022 में आपने 4% दिया था, अब जनवरी 2023 में आप 4% दे, इसका एरियर कहां है? करोड़ों रुपए तो यही एरियर बनता है, पंजाब वेतनमानों का एरियर तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो अगर आप 5 साल रहेंगे तब भी नहीं दे सकते, आपके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रिविलेज मोशन है ये आपके गले की हड्डी बन गया है, ये फंस गया आपको चक्कर, ना तो आप विड्रा कर सकते हैं और ना उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं आपकी स्थिति, क्योंकि राजेश धर्माणी ने बार बार कह दिया कि मैं अपना प्रिविलेज मोशन वापस नहीं लूंगा। अरे मुख्यमंत्री महोदय अगर प्रिविलेज मोशन वापस नहीं होगा ना तो आपकी सरकार हिमाचल में रहेगी नहीं, मैं आप दावे से कहता हूं इस बात को, आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। कर्मचारियों से आप पंगा ले रहे, पेंशनों से पंगा ले रहे, युवा बेरोजगारों से आप पंगा ले रहे हैं, किस किस से पंगे नहीं आपने लिए, तो इसलिए ऐसा है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए जो आउटसोर्स 45,000 आउटसोर्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न डिपार्टमेंटों में, और ठेकेदारी प्रथा चला रखी है, ये तो जयराम की सरकार चलेगी, अगर जयराम की सरकार ना जाती तो उसने एक पॉलिसी ला लेनी थी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, पर आपने भी किया था वादा चुनाव से पहले कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनके लिए हम पॉलिसी ले आएंगे, पर पॉलिसी तो आपने क्या लेनी, आपने 10,000 आते निकाल दिए, और ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है बेचारे बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, है जी। आप हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मिनिमम वेजेस एक्ट वो लागू करो, आप क्यों नहीं करते लागू, आप क्यों आप मतलब इनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र आप कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दिन प्रतिदिन जो है लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं और होएंगे। अभी आप देखिए
आईपीए डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट, टेंडरों में घोटाला, करोड़ों रुपए आप खा रहे हैं, करोड़ों रुपए टेंडरों के नाम से आप खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब तो भ्रष्टाचार के कई कई आयाम जो है आपकी सरकार बना रही है। अब मैं तो मुकेश अग्निहोत्री से भी पूछना चाहता हूं कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आईपीए डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बताइए चौपाल के नेरवा में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए का घोटाला, और एक क्लर्क ने वहां पे, एक क्लर्क ने वहां अपने भाई के लिए 40 टेंडर पास किए 50,000 के नीचे के। आप बताइए क्या हो रहा? क्लर्क एक ऐसा काम कर रहा, पर क्लर्क को कोई शय होगी ना, तभी तो कर रहा है वो। आप बताइए मतलब कि इतना बड़ा घपला नेरवा में हो गया, और आप बताइए जितने एक पहले एक्सिन था, अब तो वो एससी बन गया, उसने भी कम से कम 10-20 करोड़ का वहां घोटाला किया। तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है कि वही बिजली बोर्ड में आप देख लीजिए, बिजली बोर्ड में तो टेंडर खत्म हो गए, आप तो इन्होंने पावर कारपोरेशन को कर दिए शिफ्ट, वही होगा सारा जो भी हिसाब किताब है। पीडब्ल्यूडी में आप देख लीजिए, वो तो आपके सामने सारी अखबारों में आया मंडी का जो है। तो ये मतलब ऐसा है कि ये घपलों की सरकार बन गई, अभी ये घपले इसमें हो रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई ये नहीं है। तो बिजली डिपार्टमेंट को मैं कहूंगा कि जो चौपाल में भी ये जो टेंडर हेराफेरी हुई है उसमें विजिलेंस जांच करें, देखिए कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा इस प्रदेश में। डराने की राजनीति नहीं चलेगी, ना ये चलने हम देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी कर लो। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि आप जो है मतलब समझ जाइए, अभी भी वक्त मैं आपको बता रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं तो जी ड्राइवर का बेटा था और मुख्यमंत्री बन गया, आप तो अपने बाप की भी मतलब जो है इज्जत नहीं रख रहे, कहां रखी इज्जत आपने? अगर आप ड्राइवर के बेटे होते, एक कर्मचारी नेता के सही मानों में बेटे होते, तो आज कर्मचारियों की आप जय जयकार कराते, आप उनको एरियर देते, आप उनको डीए देते, आप उनकी पोस्टें भरते, परंतु आपने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, बहुत बेइज्जती कर दी आपने अपनी। ऐसा मत बोले आप कल से कि मैं ड्राइवर का बेटा हूं, मैं कर्मचारी का बेटा हूं, ये तो आपको शोभा नहीं देता है। आपने तो सत्यानाश कर दिया मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का, पेंशनों का सत्यानाश कर दिया आपने, तो ये बात आप मत बोले तो अच्छा ही है। और दूसरी बात यह है कि राम सुहाग सिंह कमाल है मुख्यमंत्री महोदय, जब आप विपक्ष में थे तो राम सुहाग सिंह के आप ऊपर आपने कई इल्जाम लगा दिए कि ये भ्रष्टाचारी है, इसको निकालो जयराम जी, ये ठीक नहीं काम कर रहा है। और आज जब आपकी सरकार आई तो वो बड़ा प्यारा हो गया आपको, वो तो कमाल ही होगी, सारा दायित्व तो आपने सौंप दिया और 7 लाख रुपए उसके महीने पे खर्च कर रहे हैं आप, ये क्या वजह है? ये भी जरा आप बताइए प्रदेश की जनता को, ये कारण क्या है उसको रखने का, क्या कारण है, तो ये भी बताओ आप। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश में संघर्ष नहीं हो सकता? हिमाचल प्रदेश में संघर्ष पेंशनर भी करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी भी करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप देख लीजिए, राजेश धर्माणी ने वहां भी क्या कर दिया, 181 ड्राइवर नौकरी से निकाल दिए। अरे ऊपर दिवाली है, क्या कर रहे हैं आप? अधिकारियों को निकाल दिया, ये तो सब जगह ऐसा चलेगा, आपने करना ऐसा है, क्योंकि आपके बस का रोग नहीं है सरकार चलाना। आप ऐसा है कि त्याग पत्र दो और घर को जाओ, किसी और को सौंपो आप, ताकि वो ठीक ढंग से चलाए और सरकार चले और प्रदेश की जनता का इसमें भला हो। नहीं तो आप रहेंगे तो कांग्रेस 20 साल नहीं आती, लिख लो एफिडेविट में, आई विल साइन द एफिडेविट, नहीं आएगी। और मैं आज ये कह रहा हूं, प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अध्यक्ष है, मैडम आप क्या कर रहे हैं? आप पार्टी के अध्यक्ष है, सरकार आपने लाई है, आप क्यों चुप है? आप बोलिए ना, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बहुत दिनों बाद कि आप बोले, सरकार को बोले कि क्या हो रहा है सरकार में, क्यों कर्मचारी पेंशनों को जो है तड़फाया जा रहा है, क्यों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्यों पोस्टें कम की जा रही है, वजह क्या है ये? आप बोलिए, आप अध्यक्ष है पार्टी की और आप बोल सकते हैं, आप सुखू के कान भी खींच सकते हैं, इसमें दो राय कोई है नहीं है। और हॉली लॉज का वैसे भी दबदबा चलता है, इसमें दो राय कोई नहीं है, आपके साथ भी 14-15 एमएलए हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए कि आपको भी भारी पड़ेगा कल को, इसलिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसको जो है हल्के में ना लो। मैडम मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो है ये ज्वाला बड़ी भड़क रही है और ये भड़केगी भी आगे, और ऐसा नहीं कि नहीं भड़केगी, ये भड़केगी। और दूसरी बात ये है कि
प्रदेश के बेरोजगारों से भी आज मैं अपील करता हूं, वो भी आए फ्रंट पे आगे, नहीं तो आप लोगों को नौकरियां मिलने वाली नहीं सरकार में। आप देखिए सुप्पू ने क्या किया थे, चयन बोर्ड बंद कर दिया हमीरपुर का, कई महीनों ठप्पी रहा काम सारा। उसके बाद अगर उसकी उसको उसका गठन किया तो जितनी भर्तियां थी वो ठप कर दी, वो निकाल ले छोटे थोड़ा थोड़ा करके। अरे क्या कर रहे हैं आप, ये क्या आप ड्रामा कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ। आपको नहीं आता सरकार चलानी, बेटर यही है कि मैं सभी आज कांग्रेस के जितने विधायक हैं मंत्री हैं उनसे अपील करता हूं कि इसको बर्खास्त करो, इसको मुख्यमंत्री से हटाओ, तभी जाके आपकी सरकार ठीक चलेगी। आपके आपकी सरकार में और भी अच्छे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो चला सकते हैं, परंतु सुक्कू का सवेरे कुछ बोलता है शाम को कुछ बोलता है। काय का व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के नाम से इसने बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र हार जाएंगे, झारखंड हार जाएंगे, क्योंकि 1500 वाला जो 1.5 लाख नौकरियों निकालने वाला मुद्दा है वो पहुंच गया वहां, वो पहुंच गया वहां। तो इसलिए आप बताइए, चुनाव के दौरान ही सुक्कू को याद आती है ऐसे उल्टे काम करने के लिए, तो इसकी छवि खराब हो रही है। और मैंने तो राहुल गांधी को लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखा, भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इसी में चिपका हुआ है। और भी तो बतेरे हैं कांग्रेस में, बनाइए आप, प्रतिभा सिंह को बना दो, और क्या नाम मुकेश को बना दो, किसी को तो बनाओ, बनाने वाले बन सकते हैं जो ठीक ढंग से काम करे, पर इसको समझ कोई नहीं आ रही। आप तो सुखो गांव में जा रहे हैं, गांव में रोटियां खा रहा। मुझे वहां से फोन आया डोडरा क्वार से, कई पेंशनर थे कर्मचारी थे, क्या करें जी हमें तो जाना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री आया तो अब क्या करिए, अब हालात ऐसे हो गए। अरे गांव में जाके क्या करेंगे आप, आपने दे दिया वहां पर 4000 महिलाओं को 1500 रुपए, जैसे आप किन्नौर में गए वहां भी मतलब थोड़ी महिलाएं वहां भी दे दिया आपने 1500 रुपए। अरे प्रदेश जहां कांगड़ा के भी थे आप, पूरे कांगड़ा की महिलाओं को दो, पूरे हमीरपुर की महिलाओं को दो, शिमला की महिलाओं को दो, वहां क्यों नहीं दे रहे आप, वहां क्या ड्रामा कर रहे हैं आप महिलाओं से। तो मैं आपको कह रहा हूं हालात बहुत भयंकर है, और दिवाली के बाद ये बड़ा भारी आंदोलन प्रदेश के अंदर होगा, चाहे पेंशन है, चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा बेरोजगार है, सब कह रहे हैं ये दिखाएंगे आपको ट्रेलर दिखाना आपको जरूरी है, तभी आपको समझ आएगी। बाकी अब कांग्रेस हाईकमान जाने या प्रतिभा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष जाने, मैंने तो उनको कह दिया है कि अगर सरकार बचानी है तो इसको बर्खास्त करो और दूसरे को बनाओ, किसी को सौंपो ठीक ढंग से, जो सरकार चल जाए। हम कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हमें कोई कांग्रेस से कोई वो नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि भाई जयराम ने तो दिया ही नहीं, 5 साल कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कहता हूं सुखविंदर सिंह सुक्कू जी ऐसा करें, 5 सालों का जयराम का जो है रिपोर्ट कार्ड है वो भी पब्लिश करें, आपका ये जो 2 साल का जो आपने दिया या छीना वो भी जरा पब्लिश करें। आप बताइए ना प्रदेश की जनता को बताओ आप, नहीं तो पोस्टर भी छपने वाले हैं, ये पोस्टर भी प्रदेश के अंदर छपने वाले हैं। जयराम ने तो 5 साल दिया, चलो एरियर का दिया उसने 50,000 रुपए एरियर का दिया, और डीए जो है डीए एरियर सब 5 साल जयराम ने दिया, और दूसरी बार मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा 5 साल मिला। निकालो श्वेत पत्र, मैं तो कह रहा हूं निकालिए। डॉक्टर साहब मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं सरकार को स्थिर कर दूं, मैं कर्मचारियों का अध्यक्ष रहा 10-15 साल और सक्रिय कर्मचारियों की राजनीति में रहा, अब भी मैं सक्रिय कर्मचारियों की राजनीति में हूं, पेंशनों का कर्मचारियों के मुद्दे में पिछले अभी 1 साल से उठा रहा हूं। बताइए कौन सा ऐसा लीडर है जिसने उठाए, ये सचिवालय के कर्मचारी थे बेचारे, इन्होंने हटाए, इन्होंने प्रिविजनल मोशन थाप दिया, ये वैसे ठप करा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बेचारे हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, लोग भड़केंगे। मैंने आपको मैं सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहता, परंतु जब कारनामे इनके ऐसे हैं, इनके कारनामे ठीक नहीं है। आप बताइए अब सुखविंदर सुक्कू ने विधानसभा के अंदर कहा कि भाई आर्थिक संकट है और MLA 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लूंगा, और उसका खैमा क्या भुगतना पड़ा हरियाणा में, बेड़ा गर्क हो गया कांग्रेस का और हुड्डा हार गया। एक बात मैं आज आपको कह रहा हूं डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि इंसाफ करती है और हमेशा देवभूमि ने इंसाफ किया है। आप बताइए बघेल हार गया, बघेल के बारे कह रहे थे कि नो जी वो तो भारी बहुमतों से जीत रहा है, और दूसरा जो ये कह रहा था हुड्डा भी कह रहा था मैं जीत रहा मुख्यमंत्री बन रहा हूं, दो की बलि चढ़ी, राजनीति बलि चढ़ी है दो की, क्यों चढ़ी है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं बताऊंगा आपको इसके पीछे कारण क्या है। मैं कहता हूं कि भीमा काली सरान इंसाफ करेगी, वो माता इंसाफ करेगी, मैं आज फिर कह रहा हूं इंसाफ किया माता ने, दो बेटे गिर गई, तीसरी फिर गिरने वाली है,
ना गिर जाएगा आपके जूते में पानी पी लूंगा। ये है भीमा काली सराण का करिश्मा। मैंने देखा है राजा वीरभद्र सिंह के साथ, मैं वीरभद्र सिंह के साथ था और वीरभद्र सिंह के साथ मैं रहा हूं। और आज इन्होंने जो है हॉली लॉज को सुखविंदर सुक्खू ने खत्म करने की साजिश रख दी कि खत्म कर दो हॉली लॉज को, इनको आगे नाने दो। है जी, कभी विक्रमादित्य कहते ये तो बच्चा है। अरे क्या बच्चा है, आज मिनिस्टर हो उसको बच्चा कहना है? काहे का बच्चा है, आपकी तरह वो भी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और वो जो बोलता है वो ठीक बोलता है। आज मैं कह रहा हूं कि विक्रमादित्य, मैंने आपको कह दिया कि होने वाला अगला वही मुख्यमंत्री है। बात यह है कि वो ठीक बोलता है। अरे जो ठीक बोलेगा उसको ठीक कहेंगे, जो गलत बोलेगा उसको गलत कहेंगे। तो इसलिए हॉली लॉज को भी इग्नोर करना भारी पड़ेगा सुखविंदर सुक्खू को, ये मैं कह दिया। पर इसका दिमाग ही नहीं चलता इसका। अब आप बताइए, एक कर्मचारी नेता का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। अरे आप मुख्यमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या इसके एविडेंस क्या है? दूसरा, आप घोटाले की बात कर रहे हैं टेंडर आवंटन में, उसके भी आपके पास एविडेंस क्या है? क्योंकि सरकार ये कहती है कि आप बगैर तथ्यों के बात करते हैं, तो जांच करें नेरुआ के सामने। वो पावर कॉर्पोरेशन को क्यों शिफ्ट हुए, क्या कारण है बताइए आप? आपके चेते अधिकारी लूट रहे हैं प्रदेश को, चेते अधिकारी लूट रहे हैं प्रदेश को। तो हम तो कहते हैं जांच करें, सामने आएगा, जांच करिए आप। है जी, तो मेरा कहने का मतलब दूसरी एक बात और है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर ईडी आई है, ईडी ने कोई दस्तावेज लिए हैं, कार्रवाई की है, वो जग जाहिर क्यों नहीं कर रहे आप? क्या है इसके पीछे पकड़ा है बताइए आप? हमीरपुर आईडी आज क्या है? ये तो जब सामने आएगा ये बड़ा भारी ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ब्लास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा ब्लास्ट ही रहेगा। और इसके बाद तो मैं दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा वोट क्लब में, अभी विद इन वन मंथ। आप बताए, मेरे पास सारे तथ्य हैं डॉक्टर साहब, हमने रखे हैं सारे, ये रखा सारा रिकॉर्ड, बिना रिकॉर्ड के बोलेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। सुकूत अंदर कर दे, कर दो अंदर जी, है जी। तो इसलिए ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ तथ्य है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, और तथ्यों पर आधारित बोलेंगे, प्रेस के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि विक्रमादित्य के हितों की आप पैरवी कर रहे हैं, तो ये वो अपनी पैरवी क्या खुद नहीं कर सकते हैं? वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। आपको लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर जो बैठे हैं वो तो खामोश है। देखिए जी, विक्रमादित्य बोले ना बोले, मुकेश अग्निहोत्री बोले ना बोले, पर सवाल यह है कि हमें सब पता है सरकार में क्या पकड़ा है। मेरी आज 72 साल उम्र हो गई है, मैं डॉक्टर परमार से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूं, सभी मुख्यमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध भी रहे, विरोध भी रहा, और पूरी राजनीति हमने कर्मचारियों की। मैंने कोई कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा, मैंने कोई बीजेपी से टिकट नहीं मांगा, मुझे जरूरत ही नहीं है लड़ने की, मैं कर्मचारियों के मुद्दे उठाता हूं, इसी में मेरी मौज है और इसी में पूरी जय जयकार है। लोग जो है खड़े होते हैं सड़कों में जनाब जी के, आप हमारी बात को उठा रहे हैं, मेरे को इसी में ताकत बढ़ती है, इसी मेरी ताकत बढ़ती है। तो यह है, मैं गरीबों के लिए खड़ा हूं, और ये गरीब कर्मचारी है, इनका जो कोई गला घोटेगा चाहे मुख्यमंत्री होगा, मैं उसका गला घोंट दूंगा। मैं मेरे अंदर इतनी पावर है, आई हैव पावर, भगवान ने मुझे दिया है। तो इसलिए आज गरीबों में जो कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, प्रीवियसली मोशन लगाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये स्थिति हिमाचल में चलेगी नहीं। आपने पूर्व सरकार के समय में कर्मचारियों के मुद्दे, उस वक्त तो आप खामोश बैठ गए, ये कहा जा रहा आपके बारे में कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ ही आपने मोर्चा खोल रखा? नहीं डॉक्टर साहब, पिछली जयराम की सरकार में मैंने मोर्चा खोला, ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड पे ही है, मैंने मोर्चा खोला, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूछ लीजिए आप किसी से भी। तो उसने जो दिया भाई, अब 2 साल तो वो कोविड में रहा, 2 साल कोविड फैला रहा, कोविड के अंदर भी उसने लोगों को तनख्वाही दी, कोविड के अंदर ही पेंशनों को पेंशन दी, और आउटसोर्स के कर्मचारी रखे। अरे तो अब उसको फिर कैसे गालियां दे दें जी? 2 साल तो कोविड देश में हालात खराब थे, प्रदेश में भी हालात खराब थे। जयराम ने बेस्ट काम किया, सुक्खू से तो 100 टाइम बेटर काम किया उसने। इसलिए मतलब ऐसा है कि मतलब सुक्खू ने जो है बेड़ा कर दिया पार्टी का, बेड़ा कर दिया सरकार का। बिजली बोर्ड कर्मचारी आज आंदोलन पर है, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए बात ऐसी, बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिल्कुल ठीक है, अब आंदोलन बेचारे कर रहे, जो सुनाई कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने 10 बार कहा ओपीएस लागू कर दूंगा, कोई लागू नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि बोर्ड को उठाने के लिए इसमें पोस्टें भरी जाएगी, वहीं ड्राइवर निकाल दिए, अफसर निकाल दिए, और निकालने की तैयारी है। तो उनको भरपूर समर्थन है प्रदेश के कर्मचारियों का, पेंशनों का भरपूर समर्थन है, इसमें दो राय कोई नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। तभी आज हम आपके सामने बोल रहे हैं कि हमारा समर्थन उनके लिए है, वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है वो,
और उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ दो गुटों में बटी हुई है, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा है, वो सुक्कू के राइट और लेफ्ट है, दोनों राइट और लेफ्ट। एक सोचता है कि महामारी जेसीसी हो जाए, दूसरा सोचता है ओनली जेसीसी, बाकी डिमांडों का नहीं कोई चक्कर, उनको डिमांड का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप भी जनाब इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आप बताइए कभी उन्होंने बोला, कभी उन्होंने जो हड़ताल के सेक्रेट वालों के लिए कभी उन्होंने बोला, बिजली बोर्ड के कभी उन्होंने बोलो, जरूरत ही कोई नहीं बोलने की, वो तो चमचे हैं, वो तो दुम छल्ले हैं सरकार के, उन्होंने क्या बोलना है सर, दुम छल्ले हैं वो। मैं कह रहा हूं हमें कोई नहीं उनसे चाहिए, और इसलिए उनके साथ कोई कर्मचारी नहीं है, ना कोई कर्मचारी उनके साथ चलने वाला है। और इसलिए ऐसा है कि सुक्कू को भी गलतफहमी है कि इनके साथ ही हो गए थे कर्मचारी, उनका कोई कर्मचारी नहीं है, सुक्कू को बड़ी भारी गलतफहमी है ये। नहीं वो तो ये दावा करते हैं कि कर्मचारी उनके साथ ही है और 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी उनके ही साथ है, वो तो ऐसा दावा करते हैं। मैं कहता हूँ जी 4 लाख बोलो, वो तो सामने आएगा भी आपको, इन अभी दिवाली के बाद भी क्या होता है प्रदेश में, ऐसा नहीं चक्कर कोई नहीं। आज ये लोग कह रहे हैं कि सचिवालय के कर्मचारी नेता डर गए, वो डरे नहीं है, वो जेल जाने को भी तैयार है। मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा वर्मा जी हम डरे नहीं है और ना डरने वाले दिन पैदा हुए हैं, ना हम कोई माफी मांगेंगे, हम तो अगर सरकार प्रीवियस मोशन हमारे खिलाफ गया हम जेल जाने को तैयार। आप बताइए हिमाचल प्रदेश की तो स्थिति ऐसी है सर, अगर वो जेल चले जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि सुक्कू सरकार भी जेल जेल के अंदर होगी, ये भी बाहर नहीं होने वाली है, सब जानते हैं, सब कर्मचारी सब एमएलए को पता, कांग्रेस के और मंत्रियों को पता सबका। तो इसलिए जनाब ऐसा है कि ये सारा होने वाला नहीं है, है ना जी। और दूसरी बात है सुक्कू के जो विधायक है, देखिए अब राजेश निर्माणी है, ये क्या प्रिविलेंट मोशन आपने ले दिया? आपने रंजीत सिंह वर्मा को नहीं देखा जब वो उद्योग मंत्री था, उसने कर्मचारी हमने हड़ताल की 1980 में, उसने विरोध सिर्फ विरोध ही किया था उसने, और हमने उसमें जंगल बैरी जाके उसको हरा दिया, वहां हम बीसी लीडर गए थे और उसको हरा दिया वहां पर। तो कर्मचारियों का इतिहास है, पर ये तो ऐसा है कि मतलब राजेश निर्माणी नहीं मानेगा, उसके भी हाल यही होंगे, उसके भी हाल यही होने वाले हैं। लोग कहते जी तुझी ऐसा बिलासपुर जाके देखो, मैं जा रहा हूं परसों बिलासपुर, मैं घुमारवी भी जा रहा हूं, देखो हमने तथ्य सामने रखने हैं, हम तो कर्मचारी हक में बोलेंगे सर, और कर्मचारी कम नेता पहले भी थे और आज भी है, लोग मानते भी हैं। मैं आपको मैं शुक्रगुजार हूं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, पेंशनों का, जो मुझे हजारों फोन आते हैं, हजारों हजारों फोन आते हैं कि आप इसी इतनी उम्र में भी हमारी मांगे उठा रहे हैं और सरकार को डंडा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो आप सरकारी पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन थी उसमें उन्होंने सफाई दी, उनका ये कहना है कि कोई पद हिमाचल प्रदेश में समाप्त नहीं किए, उसका पदनाम जरूर बदला गया, जो जरूरत के मुताबिक पद है उनका पदनाम बदला गया। सर ड्राइवर का ड्राइवर ही रहेगा, क्लर्क का क्लर्क ही रहेगा, चौकीदार का चौकीदार ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोई क्या पदनाम बदला है, ये तो एक मूर्ख बनाने वाली बात है, मूर्ख बनाओ बस और क्या है। पर हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी मूर्ख नहीं है, मूर्ख यही है, हंसी के पात्र बन गए आज ये, हंसी के पात्र कि देखिए जहां कहते थे 65,000 पद हम जो खाली पड़े इन वादों में भरेंगे, आज 1.5 लाख पद खत्म हो गए, 1.5 लाख पद खत्म हो चुके हैं, और ये बेरोजगार भी भड़केंगे, अब भड़केंगे ये भी सरकार के खिलाफ भड़केंगे, आने वाला समय है ये देखना। आपने सर आपके सामने आप भी यही मैं भी यही, थैंक यू सर।